नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे, स्पेशली हमारे इस चैनल इंग्लिश बाई एस गोस्वामी की मदद से। दोस्तों, आज हम टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश, जो बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसकी हम लगातार स्टडी कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 20 का सोल्यूशन आपके सामने है। और ये है सिंथेसिस, जिसमें हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस और जिसमें यूज कर रहे हैं पार्टिसिपल। तो नंबर वन, द बॉयज हर्ड द बेल, लड़कों ने घंटी सुनी, दे लेफ्ट द क्लास। हर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, इसमें हम पार्टिसिपल लगाएंगे, यहां लिख देंगे हियरिंग, सुनकर द बेल घंटी, और द बॉयज और दे ये एक ही के लिए आए हैं, तो द बॉयज यानी कि नाउन आ जाएगा, बाकी लेफ्ट द क्लास। क्लियर? नंबर टू, द पीपल सॉ फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटें देखी, दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते घर की ओर भागे। तो इसमें जो पहली वर्ब है सॉ, उसमें लगाएंगे पार्टिसिपल, सीइंग फ्लेम्स, आग की लपटों को देखकर, द पीपल के लिए ही दे आया है, तो यहां से केवल द पीपल उठा लाएंगे, बाकी रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। क्लियर? तो आग की लपटों को देखकर लोग जलते घर की ओर दौड़े, है ना? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, ही सॉ अ टाइगर, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शूट इट। मैंने केवल उतनी ही चीज लिखी है जो चेंज हो रही है। अगर ये मेथड अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे इसे कैरी किया जाए। तो सॉ में लगाएंगे पार्टिसिपल, सीइंग अ टाइगर, एक टाइगर को देखकर, दोनों जगह ही है, कॉमन ले लेंगे ही, उसने बाकी सेम ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट को इसे मारने के लिए। ओके, नंबर फोर, राम इज ब्लाइंड, राम अंधा है, ही कैन नॉट राइट वेल, वो अच्छे से नहीं लिख सकता। तो इज एक हेल्पिंग वर्ब है, बी उसमें लगाएंगे आईएनजी, बीइंग ब्लाइंड, राम ही की जगह आ जाएगा क्योंकि ही भी राम के लिए आया, बाकी सेम कैन नॉट राइट वेल। नेक्स्ट, ही ड्रू हिज सोर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, ही रश्ड एट हिज एनिमी, और अपने दुश्मन पर झपट पड़ा। ड्रू में लगाएंगे आईएनजी पार्टिसिपल, ड्रॉइंग हिज सोर्ड, अपनी तलवार खींचकर निकालकर, ही कॉमन है, ही बाकी सारा सेम उतार देंगे। नेक्स्ट, नंबर सिक्स, ही वॉज अनेबल टू स्विम फर्दर, वह और आगे स्विम करने में अक्षम था। तो वाच की जगह बीइंग अनेबल टू स्विम फर्दर, ही वाज ड्राउंड, वो डूब गया इन द रिवर, नदी में। तो बीइंग अनेबल टू स्विम फर्दर, दोनों में से एक ही, बाकी सारा सेम। क्लियर? नंबर सेवन, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरे में झाड़ू मारी, द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर चला गया दूर। जब पहला काम समाप्त होगा यानी कि झाड़ू लग चुकी होगी, दूसरा काम शुरू होगा, वो बाहर जाएगा, ऐसे में लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो केवल हैविंग लगाएंगे, स्वेप्ट द रूम, बाकी सेम, केवल यहाँ एक कॉमा रख लेंगे। नेक्स्ट, ही पुट ऑन हिज शूज, उसने जूते पहने, ही टुक अप हिज बुक, उसने किताबें ली, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। तो दोनों में पार्टिसिपल, पुटिंग ऑन हिज शूज, जूते पहनकर, एंड टेकिंग अप हिज बुक, और किताबें लेकर, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। बस बीच में कॉमा सम में रखेंगे। नेक्स्ट, शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, शी वेंट टू द बाजार, वो बाजार गई, टू बाई फ्रूट्स, फल खरीदने। तो जब पहला काम समाप्त हुआ, यानी कि साफ साफ लिखा है फिनिश, तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू द बाजार टू बाय फ्रूट्स। लास्ट है, ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया, ही बिगिन टू वीप, वह रोने लगा। तो हैविंग लॉस्ट हिज पेन, दोनों में से एक ही बिगिन टू वीप। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड कैसा लगा और ये सॉल्यूशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय।